हालत वैसी ही है, ये पहुंचना कहीं और जा रहा है और पहुंच कहीं और रहा है। यू नो मैं चिल लेके आऊँ कहाँ से? मेड इन जापान। हाँ हाँ, तू लगा पर देखती हूँ कौन सा मेड इन जापान है। अच्छा लग रहा है। चल कर जापान गया था और जापान पहुँच के जापानियों के प्रेसिडेंट ने इसका खूब जापान तेल से ही स्वागत किया था, तभी से ये जापानी तेल लेके बेचता फिर रहा है पार्क में। अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा लग रहा है। हाँ चल, और कहीं करवाना है? नहीं नहीं, कहीं नहीं करवाना, बस नहीं। इतनी जल्दी अपने फीलिंग बता रहा है कि कैसा लग रहा है, ये मतलब मसाज कर रहे हो कुछ और कर रहे हो, इतनी जल्दी पता चलेगा? भाई कुछ रुक जाओ, वो भी हाथ पे कोई ऐसा फीलिंग आता है देते है। तुमको मालूम है क्या? हाँ। मैं इतना अच्छा मसाज करता हूँ कोई। अब ये क्या है? अरे वो गिर गया ना। हाँ तो चल तू कर। अरे रहन दो ना, वो पहुंचना नहीं, अब इसके बाद बस सब कुछ हो गया। नहीं, इतनी मेहनत जो स्टार्टिंग से कर रही थी, रंग तो लाना ही था उसको ना, यहीं पे पहुंचना चाहता था, बस वो पहुंच गया। आप झंडे गाड़ के मानेगा, रुको कितना तेल लगाएगा क्या, बुरी बॉडी को हिला देगा तेल। आवाज आ रहा है? अब तेल में भी आवाज आती है। आवाज से भी आवाज आती है, जब पूरी स्टंडी इसे मारती है तो इसके गांठ से आवाजें आती है, वो भी अलग अलग तरीके से, जो तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। करती है। हाँ। तू मेरे घर चल। हाँ। और मैं घर पे मसाज कराती हूँ। हाँ। आराम से पूरी बॉडी। हाँ। मसाज कर तू मेरी घर पे। सही में करोगी? हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। अरे ऐसी ऐसी चीजें इसलिए दिखाते हैं ताकि ये व्यू पा सके, सब्सक्राइबर पा सके, वॉच टाइम पा सके, और इनकी हरकतें भी पूरी होती है। और ऐसे ऐसे सीन होने के बाद भी यूट्यूब इन्हें बैन करने का नाम भी नहीं लेता। और अगर इनकी वीडियो को हम रोस्ट करें या फिर इनकी वीडियो से कोई भी थोड़ा सा सीन निकाल कर हम अपने वीडियो में डाल देते हैं तो वो वीडियो तुरंत बैन हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो यूट्यूब के कारण से वो सबके लिए बने या फिर सिर्फ मेरे अकेले के लिए बने या सिर्फ मेरे अकेले पर लागू होते हैं। तो ऐसी वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी हैं और बहुत सारी से बड़ों से लेकर बच्चे तक देखते हैं, और ये सारी वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं। हालांकि सारी वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, लेकिन ऐसी वीडियो देख के बहुत लोगों की मेंटेलिटी ऐसे ही सेट हो जाती है, ऐसे ही सोचते हैं कि ये सब रियल है और सच में ऐसे करने की कोशिश करते हैं, और किसी के साथ ऐसा होता है तो बहुत बुरी बात है। अगर 1% लोग भी इससे इंस्पायर से ऐसा काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात है यार। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि तुम अगर ऐसी वीडियो, ऐसी हरकतें किसी भी वीडियो में कहीं भी देखो तो उसे, अगर तुम यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसे इसे अनलाइक करो या रिपोर्ट करो उसे, ताकि यूट्यूब का ध्यान उस पर जाए, और ज़्यादा जाके रिपोर्ट करो, डिसलाइक करो, ताकि यूट्यूब पर उसका ध्यान जाए और उसे वहाँ से रिमूव हो, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है संस्कृति के लिए। तो चलो आज के वीडियो बस इतने ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिल्कुल फ्री है। चलो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम। मैं फिर बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा, खड़ा किया पिल्लर, खेत में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले ला...